आ गए, फिर ये देखो। जिंदगी में दो चीजें मेरे बहुत ज्यादा खिलाफ है, मेरी किस्मत और पॉपुलैरिटी। सबसे पहले बात करते हैं मेरी पॉपुलैरिटी की। दिन रात मेहनत करके वीडियोस बनाने के बाद और रेगुलर अपलोड करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? बाबा जी का ढुल्लू। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये इंसान जो अभी मेरा वीडियो फ्री में देख रहा है और फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा। अरे कर देना भाई, पहले ही किस्मत खराब पड़ी है, कम से कम पॉपुलैरिटी तो दिला दो। और अब बात करते हैं किस्मत की। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा माइनक्राफ्ट बहुत बुरा था। बुरा मतलब एकदम काला अक्षर भैंस बराबर जैसा। फिर भी मैंने काफ़ी मेहनत की और इस गेम में मेरा गेम प्ले सुधारा। और अभी अभी तो मैंने टनल प्रैंक और ऐसे प्रैंक करना चालू किया था माइनक्राफ्ट में, और अभी मेरे को माइनक्राफ्ट अच्छा खासा समझने लगा था। हमने हमारे 1 BHK को 3 BHK में भी कन्वर्ट कर दिया था, और अभी तो कुछ खुशियां लौट आई थी हमारी माइनक्राफ्ट में। लेकिन मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छे से कैसे हो सकता है, वही तो मैं सोचूं यार, मेरी फटी किस्मत सिल कैसे गई। लेकिन ना ना ना, लेकिन मेरी किस्मत ने उसके असली रंग दिखा ही दिए। कल मेरे साथ हुआ एक ऐसा हादसा जिसको देख के मेरी दुनिया हिल गई। एक्चुअली सच सच बताए तो दुनिया हिली नहीं, खत्म ही हो गई। तो हुआ क्या, अब सुनो। कल मैंने दोपहर को माइनक्राफ्ट खेलने का डिसाइड किया, और मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए तभी के तभी गेम लगाया। पर मुझे क्या पता था, माइनक्राफ्ट जी मेरे लिए वहाँ पे एक सरप्राइज लेके खड़े थे। जैसे ही गेम लगा, गेम वापस बंद हो गया। और ऐसे ही 3-4 बार चालू बंद खेलने के बाद आखिर गेम शुरू हुआ। और शुरू होते ही उसने मेरे को दिया एक बहुत बड़ा झटका, और वो ये है कि मेरे सारे वर्ल्ड्स, मतलब जो हम सर्वाइवल खेल रहे थे, वो मेरे 2-3 क्रिएटिव वर्ल्ड्स और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा शिव मंदिर वाला वर्ल्ड भी डिलीट हो चुका है। कैसे क्या पता, पूरी मेरी दुनिया हिल गई है। मेरे सारे वर्ल्ड्स माइनक्राफ्ट ने डिलीट कर दिए हैं, और रीज़न मेरे को भी अभी तक पता नहीं है। तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारी सर्वाइवल सीरीज जो चालू थी उसको अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वर्ल्ड सारे डिलीट हो चुके हैं। हमने जो शिव मंदिर बनाया था वो भी हमारा लॉस्ट हो गया है, और हमारे जितने भी वर्ल्ड्स थे वो सारे चले गए। तो अब हम अनफॉर्चुनेटली सर्वाइवल सीरीज कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर भी हम लाएंगे आपके लिए, पर उतना प्रोग्रेस होने तक हम स्किप कर देंगे, क्योंकि पहले का पार्ट आपने देखा है तो आपको बोर हो जाएगा। तो अब से हम माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज नहीं करेंगे, हम माइनक्राफ्ट की चैलेंजेस, माइनक्राफ्ट प्रैंक्स या फिर माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल्स करेंगे, जैसे कि हाउ टू बिल्ड ऑटोमेटिक डोर इन माइनक्राफ्ट, और ऐसे जितना भी आपको कुछ चाहिए होगा कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो बनाने की कोशिश करूंगा। और माइनक्राफ्ट के चैलेंजेस खेलेंगे, जैसे लक्की ब्लॉक रेस और वो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वो खेलेंगे माइनक्राफ्ट के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब हमको कंटेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब हमारी GTA और WWE 2K20 सीरीज़ आ रही है जल्दी। हमारी डेथ स्ट्रैंडिंग सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, हमारी ग्रैनी सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं, तो कोई दुख नहीं है। सिर्फ माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड गए तो थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन वो हम कवर कर लेंगे। अभी GTA 5 के एपिसोड्स एक हफ्ते में आ ही जाएंगे, और 2K20 और बहुत सारे गेम ऐसे आने के बाकी है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो वही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि भाई हम सर्वाइवल सीरीज़ अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उसको रिकवर करने की बहुत कोशिश की, हमारे वर्ल्ड जो है वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आ सकते अभी। तो इसलिए अब हम माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे, और आपको जो टॉपिक चाहिए वो कमेंट में बता दो। और GTA 5 और 2K20 के भी एपिसोड्स आने वाले, तो उसकी भी अनाउंसमेंट करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और चैनल के बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो, और अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर आपको सच में लगता है कि मैं ग्रो करूँ तो प्लीज़ चैनल शेयर भी कर दो यार। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।